हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2015 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी क्यों? गरीब लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराने के लिए चीपर इंटरेस्ट रेट पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वुमेन के बैकवर्ड एरियाज़ में उनको प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए, या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा इसका सी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक, NBFC, जो भी हमारे देश में इंटरमीडियरीज हैं, वो समाज के हर तबके तक पहुंच रखे, गरीब से गरीब, रूरल मार्जिनलाइज कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, जो भी हो, इसमें फाइनेंशियल हमारा जो पूरा एक स्कीम है, फाइनेंशियल जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें कवर्ड रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इसका एम ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना का कि एक बैंक अकाउंट एटलीस्ट हर घर में हो, साथ ही साथ उसमें इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करवाया गया। सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा होता है? 280, याद है आप सबको। पहला स्टेटमेंट, सेंट्रल डिविजल जो पूल होता है, अब सेंट्रल डिविजल पूल क्या होता है? टैक्सेस का कलेक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, एक जगह आता है, उसमें कुछ स्टेट्स को भी दिया जाता है, तो जो स्टेट्स का जो शेयर है वो 32% से 42% हो गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इस फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स भी रिकमेंड की थी कि इस सेक्टर में इतना पैसा जाएगा, इस सेक्टर में इतना पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं था, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं थी। इसमें जो सही आंसर है वो है वन ओनली। आर्टिकल 280 में आते हैं आपके फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है, एक चेयरमैन होते हैं और चार मेंबर होते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको कंस्टिट्यूट करता है हर 5वें साल में, वैसे उससे पहले भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन न्यूज में था, किससे ही एसोसिएटेड है, किसके साथ रिलेटेड है ये? आसियान, ब्रिक्स, OECD, WTO। करेक्ट आंसर है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स 6th जो आपकी ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में, उसमें ब्राज़ील की सिटी जो थी उसका नाम था फोर्टलेजा, वहाँ पे हुई थी, तो इसलिए उसका नाम भी पड़ गया फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। सबसे सिग्निफिकेंट जो इसका रिजल्ट निकला वो निकला NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक निकल के आया, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, ठीक है, इसलिए फोर्टलेजा डिक्लेरेशन आपको याद रखना है, 6th ब्रिक्स समिट 2014। अ डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट करता है क्या? टैक्स टू GDP रेशियो क्या होता है पहले तो ये समझाओ। GDP होती है, ठीक है, देश की एक इकोनॉमी है, GDP है, उसमें टैक्स कलेक्शन का क्या रेशियो है, वो होता टैक्स टू GDP रेशियो। तो उसमें गिरावट देखी गई, तो अब इससे क्या मतलब निकलता है वो बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, क्योंकि GDP जितनी है अगर उसमें टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा सरकार का, पर टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो है। स्टेटमेंट नंबर 2, इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का वो कम हो रहा है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि नेशनल इनकम में गरीब अमीर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर हो, वो बराबर नहीं हो रहा है ऐसा पता लग रहा है। अब चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैक्स टू GDP रेशियो का नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। कई आंसर कीज ने इसका आंसर बी बताया था, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही बताया था, जबकि इसका जो रियल में आंसर है वो है वन ओनली, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, जो भी जो हमारे ट्रॉपिकल लेटिट्यूड में है,
साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? सब सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वहाँ पे कभी कभार ही आता है, कोरलिस फोर्स काफ़ी वीक है, या एब्सेंस ऑफ लैंड है उन रीजन में। देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का होना ज़रूरी है कन्वर्जेंस प्रोवाइड करने के लिए, अगर ये नहीं होगा तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत खतरनाक होगी, स्ट्रॉन्ग विंड शीयर होगा, इसकी वजह से ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो जनरेट नहीं हो पाते हैं बहुत सारी थंडरस्टॉर्म या स्ट्रॉन्ग विंड शीयर की होने की वजह से। ठीक है, इन रीजन्स में ITCZ नहीं होता है और यही कारण है कि लैक ऑफ साइक्लोन्स देखा जाता है। वैसे एक कारण ये भी है कि लोअर सी टेम्परेचर रहता है, ठीक है, बट इतना बड़ा कारण ये नहीं होता जितना इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का नहीं होना होता है। कभी कभी ITCZ वहाँ पे होता है, यही कारण है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहाँ पे नहीं आते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ स्टेट है जो इंडिकेट कर रहा है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट को। सबको पता है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश आपका और गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया ईस्टर्न मोस्ट, गुजरात हो गया वेस्टर्न मोस्ट। अब अरुणाचल प्रदेश में भी अगर आपने कभी नाम सुना होगा तो किबीथू नाम की जगह है अंजो डिस्ट्रिक्ट में, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का। ठीक है, ये मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात की मैं बात करूं तो ग्वार मोटा कहाँ पे, कच्छ में, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंडियन मेनलैंड का। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है, DPSP की बात हो रही है, ध्यान से सुनते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कैसे देश में सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये प्रोविजंस हमारे जो भी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आप सबको पता है DPSP, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, बट फंडामेंटल ड्यूटी कई स्टेचुटरी एक्ट्स के मीडियम से इन्फोर्सिबल किए गए हैं, जैसे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, है ना, फ्लैग कोड हो गया, ये एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, बट DPSP को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता इस तरीके से। और DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी अगर पूरी ना हो, इनका वॉयलेशन हो, तो कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए इसको कहते हैं नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट किसका है? कोल प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का, स्टील प्रोडक्शन का? सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, लेकिन अब इसमें काफी चेंजेस आया, अभी हाईएस्ट नहीं रही। तो मैं एक बार पुराना वाला और नया वाला दोनों लिख देता हूँ। जो ओल्ड वाला इंडेक्स थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, फिर स्टील, फिर रिफाइनरी, फिर क्रूड ऑयल। और जो न्यू वाला ट्रेंड है, न्यू वाले में आपके रिफाइनरी सबसे हाईएस्ट है, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है स्टील, फिर है कोल। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में। नया वाला ट्रेंड आपको याद रखना है, वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनिक है, जिसमें फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है?
फ्लोटिंग वेजिटेशन का मतलब है, अगर आप नेट पे इसकी फोटो भी देखेंगे, कि नदी है, नदी के ऊपर वेजिटेशन तैर रही है। सबसे खास बात यह कि इस वेजिटेशन में एक जो डियर फेमस है वो है संगाई डियर। संगाई डियर काफ़ी फेमस है, जो इन वेजिटेशन पे छलांग लगाता रहता है। कौन सा नेशनल पार्क है ये? यह है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केवला देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, आपको याद रखना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ठीक है। केवला देव मैंने बोल दिया राजस्थान में है, केबुल लमजाओ आपका मणिपुर में है, भितरनिका उड़ीसा में। और जो डियर की मैं बात बता रहा हूँ उसका नाम है संगाई डियर, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जो वेजिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है फुमड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, फुमड़ी, ठीक है। और ये थोड़ा सा लोकटक लेक जो है मणिपुर में, उसके साउथ ईस्टर्न साइड में। लोकटक लेक भी आपको पता है काफ़ी फेमस है मणिपुर में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है NIF, ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये एक इनिशिएटिव है हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेंथन करने का इंडिया के साइंटिफिक प्रीमियम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, कैसे फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। ये टर्म यहाँ पे थोड़ा नज़र जानी चाहिए थी आपकी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देता है। ग्रास रूट इनोवेटर जो होते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उस पर काम करता है, ना कि हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च करवाता है, और ना ही फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की मदद लेता है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा वन ओनली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। अगर इनअप्रोप्रिएट यूज होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर वन, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे किसमें, सोइल्स में। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सोइल में नहीं बढ़ेंगे, वाटर में बढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोइल में नहीं बढ़ेंगे, वाटर में बढ़ेंगे, वाटर बॉडी में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है सोइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी, येस। लीचिंग होने लग जाएगी नाइट्रेट की ग्राउंड वाटर में, येस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 3 ओनली। विद रेफरेंस टू IUCN एंड साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? IUCN ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और साइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि IUCN कोई ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। IUCN के पास ऑब्जर्वर या कंसल्टेटिव स्टेट है, स्टेटस है UN का, बट ये कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है। साइट्स बिल्कुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। तो ये जो आधा स्टेटमेंट है, इसकी वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, और स्टेटमेंट गलत है। IUCN थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स चलाता है वर्ल्ड में नेचुरल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। साइट्स लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स में, जो भी इनको ज्वाइन कर रखे हैं, बट ये नेशनल लॉज की जगह नहीं ले सकता। मतलब अगर जैसे इंडिया ने इसको ज्वाइन कर रखा है, तो इंडिया के जो अपने लॉज है ना, वो बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि साइट्स के प्रोविजन ही मान लिए जाएंगे और इंडिया में जितने भी कानून कायदे हैं सब साइड में कर दिए जाएंगे, नहीं। ये सप्लीमेंट करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है उस चीज़ को, ठीक है। ये उस चीज़ को हेल्प करता है, उसको स्ट्रेंथन करने में, जो भी हमारा इकोसिस्टम होता है, लॉ का जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, उसको रिप्लेस नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। 2 एंड 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस की बात हो रही है शुगर केन की, ये क्या होता है? जैसे आपकी MSP होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस होती है शुगर केन की। सेंट्रल लेवल पे डिक्लेयर होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सवाल क्या है कि ये अप्रूव किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्वेश्चन प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्वेश्चन प्राइसेस इसको एडवाइस करती है,
ठीक है, कि ये प्राइज निकालो, और फाइनली डिक्लेरेशन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। स्टेट की अपनी स्टेट एडवाइस प्राइज होती है शुगर केन के लिए, ठीक है। वैसे ये जो प्राइज होती है ना, ये सरकार नहीं देती है किसानों को, शुगर मिल्स होती हैं वो देती है फार्मर्स को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो बस बताती है कि इतना आपको मिनिमम प्राइस देना पड़ेगा किसानों को शुगर केन खरीदने के लिए। ये जो स्टेट एडवाइस प्राइस होती है ना, ये स्टेट की तरफ से अलग रेट निकलती है अपनी। तो फिर इन दोनों में से कौन सी रेट रेट फाइनल होती है? वो होती है जो सबसे ज्यादा हो, जो दोनों में से ज्यादा हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निकलती है, स्टेट की तरफ से स्टेट एडवाइस प्राइस निकलती है। दोनों में से जो ज्यादा है वो इंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। डिक्लेयर गवर्नमेंट करती है, देना शुगर मिल्स को पड़ता है फार्मर्स को शुगर केन खरीदने के लिए, ठीक है। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्वेश्चन प्राइस इसको रिकमेंड करता है। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट? इक्वेटोरियल काउंटर करंट की यहाँ पे बात हो रही है, उसका ईस्टवर्ड फ्लो क्यों होता है? पहले तो समझो कि इक्वेटोरियल करंट क्या होता है। मान लो यूरोप है, या आपका यूएसए है, ये लेटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, या आपका अफ्रीका है। अब क्या होता है कि कुछ करंट ना ऐसे, ये आपका यूएसए है, ये यूरोप है, लेटिन अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। इक्वेटोरियल जो करंट होता है, ठीक है, वो आपका ऐसे फ्लो होता है ईस्टर्न मोस्ट साइड। अब सवाल यही है कि ईस्टवर्ड फ्लो क्यों हो रहा है इक्वेटोरियल करंट का? तो उसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है आपका टू इक्वेटोरियल करंट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। ये जो टू इक्वेटोरियल करंट्स है उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जेंस होता है, और सीधे फिर ईस्टवर्ड फ्लो हो जाता है। जो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वह है अर्थ का रोटेशन, ठीक है। अर्थ की रोटेशन की वजह से भी ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट माना जाता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। एक्सेस वाटर फ्लो होता है ईस्टवर्ड तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो श्री सेलम, नल्लामला हिल्स, ये बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स, ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स में नहीं है, ओमकारेश्वर आपका है मानधाता हिल्स में, ठीक है। मानधाता हिल्स में आपका ओमकारेश्वर है, विंध्या माउंटेन्स है ना एमपी के, वहां पे। पुष्कर जो है आपकी वो अरावली में है, महादेव हिल्स में नहीं है, अरावली में है, ठीक है। अरावली हिल्स में ही है, अरावली हिल्स के टू पैरेलल रेंजेस होती है, वहां पे पुष्कर वैली बनती है। समझ में आ गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ओनली, टू एंड थ्री यहाँ पे गलत है। विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह सत्याग्रह की बात हो रही है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रोलेट सत्याग्रह बेस्ड है सिडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, बिल्कुल सही। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग को यूटिलाइज करने की कोशिश की थी, बिल्कुल सही। अगला स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशन जब आया था उसके खिलाफ जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे, वो रोलेट सत्याग्रह के टाइम पे ही हुए थे, दोनों साथ में हुए थे, गलत। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ था, 2 साल बाद इंडिया में आया। रोलेट सत्याग्रह 1919 की बात है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों कैसे मैच हो सकते हैं, कंसाइड कैसे कर सकते हैं? सीधा सीधा आंसर हमारा वन एंड टू ओनली हो गया। अमंग द फॉलोइंग, कौन सा बार बार न्यूज में रहता है इबोला वायरस के आउटब्रेक के लिए? करेक्ट आंसर है इसका बी, गुइनिया, सीरियलियोन और लिबेरिया। पहले ये गुइनिया में 2013 में फैला था, फिर धीरे धीरे लाइबेरिया और सीरियलियोन में फैल गया। इबोला वायरस बहुत डेडली वायरस होता है, इसमें मोर्टेलिटी रेट 50% तक होती है, मतलब जिसको होता है उसमें 50% लोग मरते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू फ्लाइश, फ्लाइश की बात हो रही है, फ्लाइश क्या होता है? जो आपके कोल, जो इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट्स होते हैं ना, तो उसमें जो कोल का यूज हो रहा है उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है फ्लाइश, एक फाइन पाउडर होता है ये, ठीक है, फ्लाइश, समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हो रहा है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या समझाया था कल, कैन बी यूज्ड, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है, कैन बी यूज्ड किया जा सकता है,
बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। फ्लाई ऐश यूज में किया जा सकता है पोर्टलैंड सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए। बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश बना है केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। ओनली यहाँ पे वर्ड गलत है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओनली ओनली वर्ड एक्सट्रीम है, यहाँ पे गलत है। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। एक स्टेटमेंट में दो दो एक्सट्रीम फ्रेजेस, केवल इन दो से बना हुआ है और कोई टॉक्सिक एलिमेंट है ही नहीं। कोल से अगर कोई चीज निकल रही है बाय प्रोडक्ट, तो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट क्यों नहीं होगा? इसमें जो सीधा सीधा आंसर है वो होगा वन एंड टू ओनली। 19, डुगोंग की यहाँ पे बात हो रही है। एक मैमल है जो इंडिया में मिलता है, उसमें बताना इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। हर्बीवर्स मेरीन एनिमल है। बिल्कुल सही। इंडिया के इंटायर कोस्ट पे मिलता है? नहीं, इंटायर कोस्ट पे नहीं मिलता। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया आपका, है ना, पाक बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, यहाँ पे मिलता है। इंटायर कोस्ट पे तो नहीं मिलता। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में। बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन एंड थ्री। कौन कौन इनमें से इकोनॉमिक क्रिटिक थे कॉलोनियलिज्म के, जो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे चलता था, उसके कौन कौन उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था? दादाभाई नौरोजी। बिल्कुल सही। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको कहते थे, और इन्होंने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन निकाली थी। इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर। बिल्कुल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी वी जोशी, गोखले, इन सबका ग्रुप था। थाउजेंड्स, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्कर और जर्नलिस्ट के साथ मिलके कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज किया। आरसी दत्त। बिल्कुल, आरसी दत्त की बुक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, 20th सेंचुरी में इन्होंने पब्लिश की थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने बिल्कुल एक एक डिटेल से कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। जिसका इसका आंसर होगा वो होगा वन एंड वन टू एंड थ्री। कौन सा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियडिकली पब्लिश करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक और IMF ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और इसमें जो दबदबा रहता है, डोमिनेशन रहता है, वो ज़्यादा US का रहता है, क्योंकि US का लार्जेस्ट शेयर रहता है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपका वर्ल्ड बैंक का, मतलब आप कह सकते हो फ्लैगशिप रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है। और IMF की होती ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF की है। ठीक है, याद रखना है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर देता है तो क्या होगा? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है कि बैंकों को गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में इतना रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। तो अगर ये कम कर देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर SLR को कम कर देता है, इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास अब ज़्यादा कैश और गोल्ड रहेगा यूज़ करने के लिए। रिजर्व बना के नहीं रखना पड़ेगा जितना पहले रखना पड़ता। तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? GDP ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब ड्रास्टिकली यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके आने लग जाएंगे देश के अंदर। कोई रिलेशन नहीं है इसका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कैपिटल से। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपनी लैंडिंग रेट कट कर देंगे, ये हो सकता है। क्यों? देखो, ज़्यादा पैसा रहेगा अगर बैंकों के पास, ज़्यादा पैसा होने लग जाएगा। रिजर्व में पैसा कम तो यूटिलाइज करने के लिए ज़्यादा बचने लग जाएगा। यूटिलाइज करने के लिए जो पैसा है, जब वो लोगों को देंगे तो वो कम अपनी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो लैंडिंग रेट यहाँ पे कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी, ड्रास्टिकली लिक्विडिटी रिड्यूस होगी बैंकिंग सिस्टम में। जो ड्रास्टिकली वर्ड है आप दो बार देख रहे हो ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर इसका होगा सी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है हेल्थ सेक्टर में, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो, वही नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होना। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना। मैंने आपको बताया था 1 से 100 जो नैनो मीटर में होते हैं पार्टिकल्स। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होती है? जो बीमारी है उसका टारगेटेड इलाज, मतलब ड्रग को जिस ऑर्गन में जिस जगह पहुंचाना है वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी।
जीन थेरेपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। बिल्कुल सही, अब यहाँ पे कैन वर्ड है ना, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहा, इसलिए स्टेटमेंट सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ वन एंड टू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया में मार्केट्स जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो डील करते हैं वो रेगुलेटेड है किसके अंडर? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स? यस, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट है वो स्टेट्स लेके आते हैं। बिल्कुल सही, ये एक तरीके से मार्केटिंग बोर्ड होता है, ठीक है, जो एक कोशिश करता है कि फार्मर को उचित दाम मिले और सही रेट पे फार्मर्स का माल जो है वो बिक जाए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। सीओडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड तो है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फार्म बिल्स के बारे में आपको जरा सा भी पता है तो आप सीधा इसका आंसर कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपके शेड्यूल जो फर्स्ट है WPA का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर आता है। और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन को प्यार से कहते हैं सुसु, क्योंकि इसकी आवाज़ वैसे निकलती बिल्कुल धीरे धीरे से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल साइलेंट, एक अलग ही साउंड निकलता है, इसलिए इसका इसको प्यार से सुसु भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसके लिए चलाया जा रहा है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, इंडिकेटर स्पीसीज मतलब इंडिकेट करती है कि ये जहाँ रहती है वहाँ का वातावरण, वहाँ के इकोलॉजिकल करेक्टर कैसा है, हेल्दी है कि नहीं, इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी कहते हैं। कब नोटिफाई हुई थी नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पर? ये 2009 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी, मतलब 2000 ही नंबर बचे थे इनके, तब जाके इनको 2009 में डिक्लेयर किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है, उसके रिलेटेड स्टेटमेंट है। ब्रिटिश गुड्स और इवेजन ऑफ टैक्सेस के बायकॉट के बारे में इन्होंने बात की, इनका एडवोकेट करते थे ये कि ब्रिटिश गुड्स और टैक्सेस का इवेजन करो, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करो और टैक्सेस को इवेड करो, टैक्स मत दो। दूसरा स्टेटमेंट है कि वो चाहते थे कि प्रोलेटेरियट की डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो, प्रोलेटेरियट मतलब कौन, वर्किंग क्लास, उनका रूल आ जाए। थर्ड स्टेटमेंट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ये चाहते थे माइनॉरिटीज और ऑपरेस्ट क्लास के लिए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब है कि सोशलिस्ट आर्किटेक्चर या सोशलिस्ट प्लानिंग के तौर पर देश का काम आगे बढ़े, ठीक है। ये जो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियाट है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी के गोल होते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के नहीं थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो सोशलिस्ट पार्टी मांगी ही नहीं कभी, ये मुस्लिम लीग और बाकी पार्टीज का काम था। ना ही इन्होंने कभी ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने के लिए बोला, ना टैक्स इवेड करने के लिए बोला। इनका सीधा सा ब्लूप्रिंट था कि नेशनलाइजेशन करो इंडस्ट्रीज का, फेडरलिज्म को अबोलिश करो, लैंडलॉर्ड वाला जो आपका एक्सप्लोटेटिव सिस्टम उसको हटाओ, सब में बांट दो सब कुछ, मतलब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है। अब जैसे पहली जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी सोशलिस्ट की, वो हुई थी आपके 1934 में पटना में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोशलिस्ट का मेन काम ये था, नेशनलाइज करो सब कुछ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से हो। ये नहीं चाहते थे कोई वर्किंग क्लास या कोई भी क्लास रूल करे, डिक्टेटरशिप किसी की भी हो, ये नहीं चाहते थे। 27, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मैनी बिल को रिजेक्ट और अमेंड करने के लिए। बिल्कुल, मैंने कल ही समझाया था आपको, 2013 की वीडियो में समझाया था कि मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती राज्यसभा, केवल अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, और लोकसभा को एक्सेप्ट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। राज्यसभा वोट नहीं कर सकती डिमांड फॉर ग्रांट्स में, बिल्कुल। राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका बजट, उसको डिस्कस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, डिस्कस होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल डिस्कस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन एंड टू ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको अपन कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसने क्लियरली क्या डिफाइन किया? जुडिशरी और लेजिस्लेचर का जो सेपरेशन है वो, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जुडिक्शन है वो, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय की पावर्स को डिवाइड किया, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। 1921 में यह फोर्स में आया था,
और इसने क्लियरली बता दिया था कि सेंट्रल, जैसे हमारे आज की सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट है ना, वैसे उस टाइम की सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट बना दी थी। साथ ही साथ सेंट्रल बजट को और स्टेट बजट को, यानी कि प्रोविंशियल बजट को भी इन्होंने सेपरेट कर दिया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर लेके आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए? वो है लेबर ब्यूरो, ठीक है? ये आपको याद रखना है, और भी इंडेक्सेस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, पहले तो याद रखो। इसकी तीन इंडेक्सेस निकलती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिसको IW भी कहते हैं, एग्रीकल्चर लेबर और एक रूरल लेबर, ये तीन जो है लेबर ब्यूरो निकालता है, ठीक है? CSO आपका निकालता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ये आपका CSO निकालता है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स ये कौन निकालता है? ये आपका निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो किस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, ठीक है? तो लेबर ब्यूरो का आपको याद रखना है, CPI किस किस के लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। अब लेबर और वर्कर जिसमें, वो आपका लेबर ब्यूरो के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है, आइस क्यूब के बारे में बताना। आइस क्यूब क्या है? एक पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड है साउथ पोल में, उसके बारे में बताना है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जो क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस जो होती है उसमें फैला हुआ है, ठीक है? करीब 1 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस में फैला हुआ है, ये पार्टिकल डिटेक्टर है, ये याद रखना, ठीक है? ये पूछ रहा है, पहले स्टेटमेंट सही है। पावरफुल टेलीस्कोप है डार्क मैटर को सर्च करने के लिए, बिल्कुल सही। आइस में नीचे दबा हुआ एकदम, बिल्कुल सही। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही है। आइस क्यूब जो डिटेक्टर है वो आपके साउथ पोल में, यानी कि अंटार्कटिका में, ठीक है? अंटार्कटिका में इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेंसर लगे हुए हैं, पार्टिकल डिटेक्टर है ये, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, WTO, यूनाइटेड नेशन वन प्रोग्राम, ये जुड़ा आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, WTO। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट में जो एग्रीकल्चर है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आप सबको पता होगा, जिसमें ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज की बात होती है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं आपके, कि जो भी सामान इधर से उधर आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसमें हाइजीनिक कितना है, ठीक है? हाइजीन कितना मेंटेन किया गया। पीस क्लोज होता है कि जैसे WTO के रूल्स अगर किसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप लेके आ रहे हैं और वो कंट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है? मान लो बहुत ज़्यादा भुखमरी है, अब अचानक से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तेज करना पड़ा, सब्सिडी देनी पड़ी फार्मर्स को, बट सब्सिडी देना अलाउ नहीं है फार्मर्स को, WTO के अंदर इतना सब्सिडी आप नहीं दे सकते हो, बट करना पड़ा, मजबूरी है, तो पीस क्लोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा WTO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को यूज करती है, बिल्कुल सही। ये डिजाइन करी गई है उन डिवाइसेस के यूज के लिए जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे भी होते हैं, गलत, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं है, 10 सेंटीमीटर। ये इंक्रिप्शन यूज करता है जब भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजनी हो, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 ओनली। गोलन हाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, गोलन हाइट्स न्यूज में कई बार रहता है, किससे जुड़ा हुआ ये? सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका, मिडल ईस्ट। इसको गोलन प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है? और पहले सीरिया का पार्ट था 1967 तक, बाद में इसराइल ने इसको कब्जा लिया और अपने पास में हथिया लिया, ठीक है? इसको अनेक्स कर लिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा मिडल ईस्ट। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इंप्लाइज, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है? रुपी नोट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना, नहीं, मार्केट फोर्सेस के द्वारा वैल्यू, रुपी की वैल्यू फिक्स फिक्स करना, अलाउ करना, नहीं, फ्रीली परमिट करना,
आप रूपी को और करेंसीज में, यस। इंटरनेशनल मार्केट डेवलप करना करेंसीज के लिए गलत। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब है कि कितनी ज्यादा आसान तरीके से आप रूपी का कन्वर्जन कर सकते हो और करेंसीज में, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो अलाउ है, फुली अलाउड है, और कैपिटल अकाउंट जो कन्वर्टेबिलिटी है वो पार्शियली अलाउड है, ठीक है। फुली कन्वर्टेबल नहीं है हमारा कैपिटल अकाउंट, पार्शियल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। पेयर्स है, मैच करना है, मिडिवल रीजन है, मिडिवल इंडियन स्टेट है, उस कौन से रीजन में जुड़ा हुआ था उसकी बात करनी है कि पहले ये नाम था, अब इस कौन से रीजन में, वो ये पूछ रहा है। चंपा का यहाँ पे सेंट्रल इंडिया बोल रहा है जो कि गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल प्रदेश में। दुर्गारा जम्मू में सही। कुलूटा मालाबार में नहीं है, कुलूटा आपका भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जो कुल्लू वैली का नाम सुना होगा ना आपने, तो दोनों हिमाचल प्रदेश में, दोनों यहाँ पे गलत मैच्ड है। आंसर उसका टू ओनली। रिवर्स दे रखी है, इनमें से गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो बतानी है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वंशाधारा नहीं, इंद्रावती यस, प्राणहिता यस, पेनार नहीं। इंद्रावती और प्राणहिता दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी गोदावरी रिवर है, ठीक है, गोदावरी रिवर है। तो इंद्रावती यहाँ से आ रही है, प्राणहिता यहाँ से आ रही है, ठीक है, कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। वमसाधरा जो रिवर है वो आपकी उड़ीसा में फ्लो होती है, ठीक है, वो उड़ीसा में फ्लो होती है ऐसे। और पेनार जो रिवर है वो आपके कर्नाटका में फ्लो होती है, ठीक है, पेनार रिवर कर्नाटका में फ्लो होती है। इंद्रावती और प्राणहिता यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंद्रावती आपके सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है जैसा मैंने बताया, और प्राणहिता आपके महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है। पेनार कर्नाटका में है, ये आपको याद रखना है, और वामसाधरा उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा से राइज करती है। आंसर होगा टू एंड थ्री ओनली। कोई भी बिल अगर रेफर किया जाता है पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में तो ये कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब चाहे वो बिल ओरिजिनली स्पेशल मेजोरिटी से ही पास हुआ हो, बट एक बार जॉइंट सिटिंग हुई और उसमें वो बिल आया तो ये पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। जॉइंट सिटिंग आपके है आर्टिकल 108 में। जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड कर सकता है स्पीकर लोकसभा का, वो नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर, और वो भी नहीं हो तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। बट राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करता है, और जॉइंट सिटिंग में हमेशा सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होते हैं। जॉइंट सिटिंग में कोरम 110 ही होता है, और जॉइंट सिटिंग में जो रूल्स लगते हैं वो लोकसभा के ही लागू होते हैं, जबकि मीटिंग दोनों हाउसेस की है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन रूल जो फॉलो होंगे वो लोकसभा के ही फॉलो होंगे। जिसका आंसर होगा वो होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीड्यूस फॉरेस्ट? अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आपको हर तरह के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जियांट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिल जाएंगे, आपको सेमी एवरग्रीन भी मिल जाएंगे, मोस्ट डिसीड्यूस भी मिल जाएंगे, लिटोरल फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, मैंग्रोव भी मिल जाएंगे, ब्रैकिश वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा अंडमान और निकोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एसोसिएट वर्ड पूछा, डायरेक्टली एसोसिएट कौन से किंगडम्स है? अवंती नहीं, गंधारा नहीं, कोसला और मगधा डायरेक्टली एसोसिएटेड है, यानी यहाँ पे बुद्धा विजिट पे गए थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा थ्री एंड फोर ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यूज इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के साथ कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है, किस कौन एसोसिएटेड है? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस? नहीं, मैंने आपको बताया 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे IMF और वर्ल्ड में हम निकल के आए थे। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी हालत में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यस, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की बात इसमें हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ जुड़ा हुआ है। नागोया प्रोटोकॉल आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाबर जब आया भारत में तो क्या लेके आया, क्या हुआ उससे? गन पाउडर लेके आया? नहीं, गन पाउडर तो मंगोल से लेके आ गए थे। आर्क और जो डोम है वो लेके आया, वो इंट्रोडक्शन हुआ उसका? नहीं, सुल्तानित पीरियड में ही आ गया था। तिमुरिद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बिल्कुल सही, तिमुरिद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका जो आंसर हो वो होगा 3 ओनली। याद रखना है आपको, मंगोल्स लेके आ गए थे गन पाउडर और आर्क और डोम सुल्तानित पीरियड में ही आ गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया, किसको रिप्लेस करते हुए? ह्यूमन राइट्स कमीशन? नहीं, फाइनेंस कमीशन? नहीं, लॉ कमीशन? नहीं, प्लानिंग कमीशन को। यस, ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टेचुटरी बॉडी है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280। लॉ कमीशन ना तो आपकी स्टेचुटरी है ना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, 3 साल के लिए ये आती है, लॉ के लिए एडवाइस करने के लिए आती है, कौन से लॉज को रिप्लेस करना है, कौन से नए लॉज लाने हैं, तो ये जो हमारा गवर्नमेंट होती है उसको एडवाइस करता है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में यही फर्क है सबसे बड़ा, तो कि प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी कि वो फाइनेंस अलॉट कर सकता था अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग स्कीम्स के लिए। नीति आयोग के पास ऐसी कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, ये केवल और केवल एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब है जो सरकार को एडवाइस देता है। हालांकि एडवाइस देने के अलावा इसने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हुई है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नीति आयोग काम करता है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग लैब बनाता है। तो ये आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। Rio+20 कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, न्यूज में मेंशनड है ये, क्या है ये, न्यूज में मेंशनड होती रहती है, क्या है ये Rio+20 कॉन्फ्रेंस? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। Rio+20 का क्या मतलब है? देखो, 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो दियो जिनेरियो में, वही 20 साल बाद फिर 2012 में हुई, तो इसलिए उसको कहते हैं +20, Rio+20। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो वेस्टेड है प्राइम मिनिस्टर में, गलत, कल ही मैंने समझाया था, प्रेसिडेंट में। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का? नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नॉट टू। गोल्डिलॉक्स जोन जो न्यूज में हमेशा दिखाई देता है, वो किस कंटेक्स्ट में न्यूज में दिखाई देता है? हैबिटेबल जो जोन है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसकी लिमिट्स कितनी है उसके बारे में, इन अर्थ के इनसाइड जो रीजन्स हैं जहाँ पे शेल गैस अवेलेबल है उसके बारे में, या फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज में, या फिर मिटेरॉइड्स की खोज में जिन जिनमें प्रेशियस मेटल्स पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। देखो, गोल्डिलॉक्स जोन एक हैबिटेबल जोन होता है। गोल्डिलॉक्स जोन का मतलब है ऐसा जोन जहाँ पे इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर है कि लिक्विड वाटर सपोर्ट कर जाए सरफेस पे, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए कि यहाँ पे कोई जिंदा रह सकता है। ये होता है गोल्डिलॉक्स जोन, यानी बिल्कुल ऐसा जोन जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, रहने की संभावनाएं हैं। तो वो एक, जैसे अर्थ हमारा गोल्डिलॉक्स जोन में आता है, वैसे ही अर्थ के जैसे और कौन सा प्लेनेट है वो खोज यहाँ पे चल रही है, इसलिए इसको गोल्डिलॉक्स जोन बोला जाता है, कि गोल्डिलॉक्स जोन और कहाँ कहाँ है उसकी खोज चल रही है। किसने ऑर्गेनाइज किया था तंजोर कोस्ट? तंजोर जो कोस्ट था हमारा, उस पर मार्च ऑर्गेनाइज किया था सोटलों को तोड़ने के लिए, सी राजगोपालचारी, बहुत फेमस है, स्पेक्ट्रम में कहीं भी आप पढ़ लीजिए। 1930 में फिर ये अरेस्ट हो गए थे, इन्होंने तिरुचुपल्ली से वेद नारायण तक सोल्ट मार्च की थी। किसने एक नई सिटी फाउंड की थी? कृष्णा जो रिवर है उसके साउथ बैंक पे, और नए किंगडम पे राज जमाना शुरू कर दिया, ये बोल के कि मैं एक एजेंट हूँ डीटी का, एक भगवान का अवतार हूँ जिसको ये सारी जमीन बिलोंग करती है। इसका आंसर है हरिहरा। इसका आंसर होगा हरिहरा वन। अमोघ वर्ष आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था,
बल्लाल होयसला डायनेस्टी से बिलोंग करता था, हरिहरा संगम डायनेस्टी से, प्रतापरुद्ध कटकटिया से, ककटिया डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आंसर इसका होगा हरिहरा। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की सरोजिनी नायडू थी? नहीं, एनी बेसेंट थी, जिनका सेशन हुआ था 1917 में कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बद्रुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर होगा वो होगा टू ओनली। सरोजिनी नायडू का सेशन हुआ था 1925 में और एनी बेसेंट का हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात हो रही है। इसका इंटेंशन है कि डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करना है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल सही, ये यूएनईपी, ओएसजीडी और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर बनाया गया। गलत, ये आपका बनाया गया था यूएनएफसीसी के अंडर। ठीक है, एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, अगर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी इनिशिएटिव्स का नाम आता है जिसमें आपको लगे कि नहीं पता किसने लॉन्च किया था, तो आंख बंद करके गलत कर देना, 90% टाइम सही होगा। बट ये कब करना है, जब बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा है। जैसे में लॉजिक है कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो वर्ल्ड बैंक का क्या काम, चलो वर्ल्ड बैंक का भी नहीं तो ओईसीडी का काम। ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की तो बात ही नहीं होगी। इसका आंसर होगा वन ओनली। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014, ये किसको मिला था? इसरो को। इसरो आपको आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो 2014 में ये प्राइज मिला था इसरो को। धन्यवाद।